हेलो एवरीवन, सभी लोग पूछ रहे थे कि दरोगा के लिए बुक लिस्ट बताएं, बुक लिस्ट बताएं। तो देखिए, अभी मैं इसके लिए ना डिटेल वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक जा रही हूँ। मैं सुबह में आ रही हूँ, मुझे 9-10 बज जाते हैं, फिर मैं खाना जो भी अपना नहाना धोना ये सब करते करते मुझे टाइम हो जा रहा है, फिर मैं सो जाती हूँ। मैं बहुत थक जा रही हूँ तो मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर वही फिर जाने का रहता है। तो इस तरह से मैं फ्री नहीं। अभी थोड़ा सा बहुत सारा कमेंट मैंने इस चीज़ पे देखा तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। जो लोग चाह रहे हैं ना बिहार दरोगा की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन करना, या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहते हैं इसकी तैयारी करना, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपकी हाइट हो। मैं पहले ही बता देती हूँ, हाइट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लड़का हो या लड़की, अगर आपका हाइट ज़रा भी कम है तो आपको शायद बुरा लगेगा सुन के, बट ये रियलिटी है। मैं हाइट में छठी हूँ 2446 में, तो मैं आपको बताती हूँ कि हाइट से वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई मैनेज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपकी हाइट होनी चाहिए। और रही बात तैयारी के लिए बुक की, तो देखिए अभी आप लूसेंट से शुरू कीजिए। लूसेंट हर बुक का ना अभी हर एग्ज़ाम का अभी भी बेस है, और जब बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप अदर क्या ही बुक पढ़िएगा। तो आप लूसेंट या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत लोगों को सब्जेक्टिव जो लूसेंट है जिसमें वन लीनियर टाइप ऐसे दिया रहता है तो वो पढ़ने में उबाऊ लगता है। तो आप ऐसा करें कि आप ऑब्जेक्टिव बुक एटलीस्ट पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, उसके बाद जो आपको टॉपिक्स का थोड़ा डीप में नॉलेज लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, उसके लिए सब्जेक्टिव बुक पढ़ सकते हैं। और ऐसे फ़िलहाल पढ़ाई करें, ये करने में आपको 10-20 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं अच्छे से एक लॉन्ग वीडियो में मैं शुरू से मैंने किस किस बुक को कैसे पढ़ा, मैंने 2446 एक बार में कैसे क्रैक किया, और मेरिट से मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स रहते हुए, मैं हाइट में छठी थी, 12 नंबर मेरे ज़्यादा थे, मैंने कैसे उस बुक कैसे वहाँ तक मैं एक बार में पहुँची। 2213 में माना कि मेरा मेरिट में नहीं आया था, बट वो मेरी गलती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैंने पहले भी बताया है। तो बट हाँ, मैं उसमें मेरिट में छठी हूँ और इसमें मैं फ़िलहाल यहाँ तक हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। बट मैं जितना भी मैंने जैसे भी किया है मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में बता दूँगी। फ़िलहाल के लिए वो मेरे रूम का लाइट कभी कभी ऐसे ब्लिंक करता है एक दो बार, तो वही हो रहा था। तो हाँ, मैं लॉन्ग वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगी, तभी के लिए आप इतना फॉलो करें। और करंट अफेयर जो न्यू आ रही है वैकेंसी उसके लिए पढ़े, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीडी का बुक फिलहाल उसको पढ़े, उसके बाद एडुटेरिया पढ़िएगा आप करेंट के लिए। इतना आप करें उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।